नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा अरोड़ा विर्क, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, और आज आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके फेवरेट चैनल ग्रो अप विद पूजा अरोड़ा विर्क। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, अगर आपने रखा इन पांच बातों का ख्याल तो आपका जीवन बन जाएगा निहाल। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में पांच बातें ध्यान रखने की है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बड़ा नेटवर्क बनाएं। देखिए, नेटवर्क की इतनी बड़ी ताकत है, ये आपको अमीर बना सकती है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप दुनिया के लिए काम करते रहेंगे तब तक दुनिया को अमीर बनाते रहेंगे, पर जिस दिन दुनिया आपके लिए काम करने लग जाए उस दिन आप अमीर बनने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप आरसीएम बिजनेस में जानते हैं कि हम रिलेट करते हैं उन प्रोडक्ट के साथ जो लोगों की मजबूरी है, जो लोगों की बेसिक नीड है। लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुनिया बंद हो गई थी पर लोगों ने हल्दी मिर्ची नमक खाना नहीं छोड़ा, यानी कि अगर आपने अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अड़ोसी पड़ोसी, ऐसे बड़ा नेटवर्क बना लिया और टीम से भी बड़ा नेटवर्क बना लिया, तो कोरोना वायरस जैसे कितने भी वायरस हिंदुस्तान में आ जाए आपकी आर्थिक स्थिति को कभी हिला नहीं पाएंगे, आपकी रॉयल्टी जैसी इनकम को कभी हिला नहीं पाएंगे, और इन बुरे से बुरे हालातों में भी काम करेंगे एक बार और पैसा आएगा बार बार। तो इसीलिए हमें सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट, इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखिए। जी हाँ दोस्तों, हम 10-15-20 हजार की नौकरी कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि लाखों रुपए कमाने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम 15-20 हजार नौकरी में अपने दिमाग को इतना व्यस्त कर देते हैं कि लाखों रुपए कमाने के लिए सोचने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम 15-20 हजार की नौकरी को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम जहां से लाखों रुपए महीना आ सकता है हम उस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो सोचिए दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं? आप खुद को अमीर की कैटेगरी में रखना चाहते हैं या दुनिया को अमीर बनाना चाहते हैं? अगर आप खुद अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के रॉयल्टी जैसी इनकम को ले, आपकी 7 पीढ़ियों को कभी भी किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एक कॉलेज स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री कर रहा है, 5 साल वो इस डिग्री के लिए काम करता है, पढ़ाई करता है, 5 साल के दौरान उसके परिवार में कोई भी शादी आए, कोई भी फंक्शन आए, कुछ भी हो, पर उसकी प्रायोरिटी उसकी पढ़ाई होती है, उसका एग्जाम होता है, उसकी एजुकेशन होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी पूरी जिंदगी उस 5 साल की पढ़ाई के ऊपर निर्भर करती है। तो हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? यहां आपका पैसा तो नहीं लगता है पर आपका समय लगता है। अगर आपने 2 से 3 साल इस बिजनेस को प्रायोरिटी दे दी तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसका चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने परिवार में कौन से कामों को हाँ बोलना है और कौन से कामों को ना बोलना है। जिस काम से पैसा आता है उस काम को हाँ बोलिए, जिस काम से पैसा नहीं आता उस काम को ना बोलिए 2 से 3 साल। क्योंकि अगर आपने आरसीएम बिजनेस को प्रायोरिटी में रख लिया तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तीसरा पॉइंट, 100% फोकस ऑन योर टारगेट। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो भी टारगेट बनाते हैं उस पर 100% फोकस करिए। हम कई बार टारगेट बना तो देते हैं पर जब वो टारगेट पूरे नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं। टारगेट पूरे नहीं हो पाते तो हम अपलाइन को बोलते हैं, सर मैंने कोशिश तो की थी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोशिश नाम का जो शब्द है ना, यहाँ पे बोलना मना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपके टारगेट को आप अपनी अपलाइन के आगे अगर रख रहे हैं तो आप ये शब्द का इस्तेमाल ना करिए कि मैं इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पुराने जमाने में सर्कस होता था साहब, और वहां पे एक व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और कहते थे इस चाकू से सामने एक लड़की को खड़ा किया जाता था, उसके सिर पे सेब रखा जाता था और पूरी पब्लिक उसे देख रही होती थी, और चाकू चलाने वाले व्यक्ति का एक ही फोकस होता था कि उसने चाकू उस लड़की के सर के ऊपर जो सेब है उसके ऊपर लगाने और सेब के 2 टुकड़े कर देने। अगर वो सर्कस शुरू होने से पहले उस लड़की को यह बोल दे कि मैं कोशिश करूंगा कि सेब के ही 2 टुकड़े हो जाए, तो क्या वो सर्कस होगा? क्या वो लड़की अपने सिर पे इतना सेब रख के तैयार होगी?
क्योंकि कहते हैं ना जाने तो जहान है, तो पर उस लड़की को विश्वास होता है कि जो चाकू चलाने वाला व्यक्ति है उसका 100% फोकस उस सेब पे है, और उसका इतना फोकस रहता है कि जब वो चाकू चलाता है तो सेब के दो टुकड़े हो जाते हैं और पूरी जनता उसके लिए तालियां बजा रही होती है। तो आपको भी अपना बिजनेस के ऊपर में ऐसा फोकस रखना पड़ेगा कि आपने अपनी अपलाइन को जो टारगेट बोल दिया है वो होना ही चाहिए, पत्थर की लकीर बन जानी चाहिए। अगर आप छोटे छोटे टारगेट को लेकर उसको अचीव करने लग जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी जीतने की आदत पड़ जाएगी, कामयाबी की आदत पड़ जाएगी, तो बड़े से बड़ा टारगेट भी आएगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आदत बन चुकी होगी कि मैंने जो भी टारगेट लिया है मुझे उसे अचीव करना है, उसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से लगातार 100% अपने टारगेट को फोकस करते जाइए, अचीव करते जाइए, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते जाइए कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, कमिटमेंट। इस बिजनेस में खुद से कमिटमेंट करना। यहाँ पे आपकी बहुत सारी अप्लाइने होती हैं, यहाँ पे आपको सपोर्टिंग सिस्टम होती है, यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, पर ये सारी चीजें तब काम करेगी जब आपका विश्वास काम करेगा, आपका कमिटमेंट काम करेगा कि मैं कामयाब हो सकता हूं। अगर मैंने आज आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी या टेक्निकल बनने का अगर ठाना है, अगर ये कमिटमेंट लिया है, तो खुद से वादा करिए कि यस दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं अपने कमिटमेंट को जरूर पूरा करूंगा। आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी अपलाइन को यह विश्वास हो जाए कि अगर इस व्यक्ति ने यह कमिटमेंट किया है कि यह रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे लेवल पे पहुंचेगा तो मतलब पहुंचेगा। आपका कमिटमेंट आपकी अपलाइन के सामने आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनाएगा। तो दोस्तों कमिटमेंट करिए खुद के साथ, क्योंकि आप बोलते हैं अपनी अपलाइन के साथ धोखा नहीं करेंगे। अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, तो आप खुद के साथ धोखा करते हैं। और आपका जीवन बहुत आगे बढ़ने के लिए बना है, छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बना। आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, वादा कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपके वो जो काम आपने टारगेट लिए वो जरूर पूरे होंगे। पांचवी चीज, डिजिटल हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया बदलती जा रही है, बदलाव होता जा रहा है, पूरी दुनिया डिजिटल आ चुकी है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, स्कूल्स ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल बच्चों की पढ़ाई हो रही है, डिजिटल बच्चों के कोर्सेज हो रहे हैं, पीवीआर सिनेमा तक भी डिजिटल हो गए, नेटफ्लिक्स के रूप में आ गए, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और आज हमें भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में अपने आप को डिजिटल होने की जरूरत है, क्योंकि जो काम आप पहले कभी फिजिकल किया करते थे अब उन्हीं कामों को आप डिजिटल करने लग जाइए। मैं नहीं बोलती आप फिजिकल फील्ड में ना जाइए, जाइए, पर आज के टाइम पर फिजिकल और डिजिटल दोनों का एक बैलेंस करके चलिए। जहां फिजिकल जाने की जरूरत है वहां फिजिकल जाइए, जहां डिजिटल करने की जरूरत है वहां डिजिटल करिए। आज के टाइम पे आप जूम के साथ फोकस करिए, जितना आरसीएम बिजनेस लोगों को बताना जरूरी है उतना ही जूम चलाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को जूम में लेकर आइए, लोगों के साथ होम मीटिंग जूम पे करिए, लोगों के साथ वन टू वन प्लान जूम में करिए, टीम के साथ काउंसलिंग जूम में करिए। आपके टीम में एक जूम का कल्चर बन जाना चाहिए। आप अपने घर पे बैठे पूरे हिंदुस्तान की काउंसलिंग एक ही टाइम एक ही वक्त पूरे हिंदुस्तान के लीडरों के साथ कर सकते हैं। डिजिटल की वो ताकत है, जो काम आज तक फिजिकल नहीं हो पाए वो काम डिजिटल होते जा रहे हैं, जो पिने फिजिकल नहीं बदल पाई थी वो पिने डिजिटली बदलती जा रही है। तो डिजिटल एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। अगर आप डिजिटल नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अंधकार में जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने रखा इन पांच बातों का ख्याल तो आपके जीवन में हो जाएगा कमाल। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो दोस्तों खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।